रफली पूरे वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन इंट्रोवर्ट से भरी हुई है। इंट्रोवर्जन बहुत कॉमनली मिसअंडरस्टूड किया जाता है। आजकल इतने सारे स्टीरियोटाइप्स और मिथ्स के साथ किसी को ज्यादातर मालूम ही नहीं होता कि वो इंसान खुद ही इंट्रोवर्ट है। तो आज का हमारा ये वीडियो है फैक्ट्स अबाउट इंट्रोवर्ट्स। पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आज का गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। इंट्रोवर्ट्स रिएक्ट क्विकली टू न्यू इन्फॉर्मेशन बट आर स्लोअर टू मॉनिटर चेंज। ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट जॉन ब्रेबनर के मुताबिक इंट्रोवर्ट का ब्रेन मोर एक्साइटेशन या नर्वसनेस क्रिएट करता है, जिससे इंट्रोवर्ट स्लो हो जाते हैं सिचुएशन को ग्रैब करने में या फिर एनालाइज करने में कि क्या रिक्वायर्ड है और क्या नहीं। जैसे कि जब भी फोन रिंग करता है, इंट्रोवर्ट का ब्रेन मोर एक्साइटेशन जनरेट करता है। इसका मतलब कि जब भी कोई इंट्रोवर्ट को कोई एक्शन के लिए प्रिपेयर करने को टाइम लगता है, क्योंकि वो कभी कभी कुछ लॉन्गर टाइम के लिए हेजिटेट कर सकते हैं फोन उठाने के लिए, जबकि एक्सट्रोवर्ट दूसरे तरफ फोन को सबसे जल्दी आंसर करेंगे। इंट्रोवर्ट्स ड्रेड स्मॉल टॉक। साइकोलॉजिस्ट लॉरी हेल्गो और इंट्रोवर्ट पावर व्हाई योर इनर लाइफ इज योर हिडन स्ट्रेंथ की ऑथर कहते हैं कि इंट्रोवर्ट्स शायद कोई भी दूसरे लोगों की लाइफ में इंटरेस्ट ना दिखाए, क्योंकि उन्हें स्मॉल टॉक से ज्यादा आपसे लंबी स्टोरी सुनना पसंद है। जैसे कि हाई हेलो नहीं बात को रिस्पॉन्स करेंगे इंट्रोवर्ट्स, बट एक डीप और मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस जो आप बहुत टाइम से किसी को बताना चाहते हैं। इंट्रोवर्ट्स नीड अलोन टाइम। रिसर्च के मुताबिक रीजन इंट्रोवर्ट्स को अकेले टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, ऐसे करना इंट्रोवर्ट्स खुद को रिवॉर्ड देने जैसा समझते हैं। रिवॉर्ड्स जैसे अकेले कुछ खाना, खुद के लिए कुछ चीज खरीदना या फिर अकेले ऐसा कुछ करना जिसमें उन्हें खुशी मिले। इंट्रोवर्ट्स aren't risk averse, but they are more careful and calculated about what risk they choose to take. इंट्रोवर्ट्स कुछ भी काम करने से पहले 10 से 15 बार सोचेंगे। ऐसा होता है क्योंकि डोपामाइन जो हमारे ब्रेन में होता है, जिससे हमें सेंसेशन सीकिंग, रिस्क और न्यू एडवेंचर्स पर जाने का मन करता है, वो स्लो रिलीज होता है या फिर रिलीज ही नहीं होता है। और इसका मतलब ये नहीं कि इंट्रोवर्ट्स के पास एक्सट्रोवर्ट्स से कम डोपामाइन है, बस इंट्रोवर्ट्स को कुछ और काम करने से उनका डोपामाइन रिलीज होता है। इंट्रोवर्ट्स आर डीप थिंकर्स। जैसे कि इंट्रोवर्ट्स को ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी से डोपामाइन रिलीज नहीं होता, वो एसिटाइल क्लोनाइन पर डिपेंड करते हैं, जो डोपामाइन के जैसे प्लेजर को लिंक्ड होता है। अकेले रहने से इंट्रोवर्ट्स को टाइम मिलता है बहुत सारी बातें को डीप थिंक करने का और कोई भी सिचुएशन को मल्टीपल आंसर्स या फिर सॉल्यूशंस निकालने का। इंट्रोवर्ट्स आर मोर क्रिएटिव। साइकोलॉजिस्ट मिहाली ने यह डिस्कवर्ड किया कि टीनेजर्स जिन्हें हार्ड टाइम हो रहा है, अकेले उनको क्रिएटिव स्किल्स शो करने में भी मुश्किल होती है। ज्यादातर आर्टिस्ट और राइटर्स जो खुद को इंट्रोवर्ट्स बताते हैं, उनका वर्क बहुत बेस्ट और अमेजिंग होता है, क्योंकि अकेले में इंट्रोवर्ट्स सेफ और सिक्योर फील करते हैं, जिससे उनके क्रिएटिव आइडियाज बूस्ट होते हैं। प्रिटेंडिंग टू बी एक्सट्रोवर्टेड फॉर इंट्रोवर्ट्स कैन अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस नेगेटिवली। रिसर्चर्स ने डिस्कवर्ड किया है कि इंट्रोवर्टेड पार्टिसिपेंट्स जो एक्सट्रोवर्टेड बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका परफॉर्मेंस स्लो हो गया है या फिर अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला पा रहे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी इंसान को ऐसे काम करने में फोर्स करेंगे जो वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या फिर करने को अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस में तो अफेक्ट होगा ही। हैप्पीनेस माइट नॉट बी अ टॉप प्रायोरिटी फॉर इंट्रोवर्ट्स एंड इट्स एक्चुअली ओके। सुन के अजीब लगा राइट? एस्पेशली जब हम ऐसे कल्चर में रहते हैं जिसमें हैप्पीनेस की जरूरत होती है। साइकोलॉजिस्ट माया तामिर के मुताबिक इंट्रोवर्ट्स अपना न्यूट्रल इमोशनल स्टेट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं जब उनको कोई भी डिफिकल्ट टास्क मिलता है, तो जैसे कि एक टेस्ट देना, स्पीच देना या फिर रैशनली थिंक करना। इंट्रोवर्ट्स को ज्यादातर वर्डली सक्सेस कभी कभी पसंद आते हैं, वरना वो हमेशा किसी न किसी तरीके से खुद में इन्वेस्ट करने पर उनको प्लेजर मिलता है, जैसे कि कोई अबिलिटी मिलना। तो दोस्तों, थे ना ये कुछ वाकई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंट्रोवर्ट। तो अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।